नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और उसके साथ ही कशिश न्यूज ने ईटीजी रिसर्च के साथ मिलकर एग्जिट पोल बनाया। वहीं कशिश न्यूज के एग्जिट पोल में बिहार विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर दिख रही है। वहीं इस पोल में एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है। हालांकि सरकार बनाने की रेस में एनडीए पीछे है। एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में एनडीए को 108 से 120 जबकि महागठबंधन से 114 से 126। वहीं अन्य खाते की बात करें तो 6 से 15 सीटें जाने के संकेत हैं। तो बता दें कि तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और कशिश न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन एनडीए से रेस में आगे चल रही है। बता दें कि महागठबंधन को 114 से 126 तो एनडीए को 108 से 120 सीटें मिलने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं अन्य को 6 से 15 सीटें मिल सकती हैं। तो बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होते जा रहा है और 10 नवंबर को इसका फैसला आने वाला है। लेकिन कशिश न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि एनडीए 108 से 120 तो वहीं महागठबंधन 114 से 126 सीटों से आगे बढ़ रही है, चल रही है। और अन्य की बात करें तो 6 से 15 सीटें उसके खाते में जाने की आशंका जताई जा रही है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं पहले चरण के मतदान का एग्जिट पोल। तो पहले चरण का है जहां एनडीए को 23 से 28 तो महागठबंधन को 38 से 44 सीटें मिल रही हैं। वहीं अन्य को 4 से 7 सीटें मिल रही हैं। हम आपको पहले चरण के एग्जिट पोल बता रहे हैं और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक मिश्र जुड़े हुए हैं। अशोक जी, एग्जिट पोल की बात करें तो कशिश न्यूज भी एग्जिट पोल लगातार दिखा रहा है और उसमें जो महागठबंधन है वो एनडीए से रेस में आगे चल रही है। बिल्कुल, देखिए शर्मिला, बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा और सत्ता के संग्राम में मिलेगी, 10 तारीख को पता चलेगा जब निर्वाचन आयोग के द्वारा मतगणना होगी और मतगणना में जो परिणाम आएंगे वो सबके सामने होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि चुनाव के बाद यह परंपरा रही है और कल तीसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया तो इस परिस्थिति में कशिश न्यूज ने भी एक सर्वे कराया था और एक एग्जिट पोल अपने दर्शकों के समक्ष रखा और उसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि जो चुनाव हुए उस चुनाव में कांटे का टक्कर है। चूंकि ये कशिश न्यूज ने धरातल पर जाकर के और जिस एजेंसी ने इस एग्जिट पोल को किया है उसने भी कोशिश की है धरातल पर जाकर के लोगों खास करके मतदाताओं का रुझान जानने के लिए। तो इसी परिस्थिति में जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि इस कांटे का टक्कर है और इस कांटे के टक्कर में 41% वोट महागठबंधन को मिला है और महागठबंधन सबसे आगे है, यानी तेजस्वी प्रसाद यादव सबसे आगे हैं, जबकि 40% वोट नीतीश को मिला और एनडीए उनसे पीछे दिख रही है। 7% वोट आप कह सकते हैं कि आरएलएसपी और बीएसपी एआईएमएम जो है उसको कुछ कम मिला है, लेकिन 7% वोट जेपी को मिला है, 3% आरएलएसपी बीएसपी एआईएम को मिला है। और इस तरह से जो आंकड़े आए हैं उस आंकड़े के मुताबिक कह सकते हैं कि इस चुनाव में एनडीए को 108 से 120 सीटों के मिलने की संभावना है, महागठबंधन को 114 से 120 सीटें मिलने की संभावना है, एलजेपी को 205 सीटें मिलने की संभावना है और आरएलएसपी बीएसपी और एआईएमएम जो गठबंधन है उस गठबंधन को 204 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं निर्दलीय इंडिपेंडेंट जिसको कहते हैं उन्हें भी 205 सीटें मिलने की जन संभावना है और जाप जो पप्पू यादव की जनाधिकार पार्टी है उसको भी 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो कशिश न्यूज का भी एग्जिट पोल है वो यह दर्शाता है कि कांटे के संघर्ष में भी महागठबंधन आगे है और महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना है। हालांकि ये एग्जिट पोल है और ये संभावनाओं का और ये जो मतदाता है उनसे लिए गए
उनसे की गई बातचीत और उनसे दिए गए विचारों के बात ये सर्वे है और ये बिल्कुल है, लेकिन असली फैसला आपका कहते हैं कि 10 नवंबर को आना है और इसके लिए अभी 48 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अन्य जो चैनल है या जो सर्वे एजेंसियां हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया उसके मुताबिक बिहार में आपका कहते हैं कि 4 सर्वे में महागठबंधन को बढ़त है तो 4 में कांटे का होता था और 2 सर्वे जो है वो उसने महागठबंधन को पूर्ण रूप से बहुमत दिखा दिया। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि जो भी सर्वे आए हैं सर्वे में कहीं ना कहीं महागठबंधन की स्थिति मजबूत दिख रही है और एनडीए उसमें पीछा था। बिल्कुल अशोक जी, जैसे कि आपने कहा कि एग्जिट पोल है और हम ये जो दिखा रहे हैं दर्शकों को ये सर्वे के आधार पर दिखा रहे हैं, जो अंतिम और आखिरी जो फैसला होने वाला है वो 10 नवंबर को ही होगा। लेकिन अशोक जी कल की बात करें तो आखिरी और तीसरे जो चरण के मतदान थे वो संपन्न होने के बाद कल दोनों गठबंधन जो है वहां के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जनता को धन्यवाद दिया। और दोनों जो दल हैं, दोनों जो गठबंधन है उसकी बात करें तो दोनों गठबंधन में काफी विश्वास है कि वो ही उनकी ही सरकार बनने वाली है। यदि बीजेपी की बात करें, यदि हम एनडीए की बात करें, यदि महागठबंधन की बात करें तो दोनों गठबंधन के जो नेता हैं वो अपने अपने जीत के लिए आश्वस्त हैं। जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके मुताबिक भी कांटे का संकट दिख रहा है और राजनेताओं की बात करें, राजनीतिक दल के नेताओं की बात करें तो वो तो चुनाव हारते वक्त तक भी वो जीत का दावा करते ही, लेकिन जो ये सर्वे आया और ये जो एग्जिट पोल है इसका जो पुराना इतिहास रहा है इसमें कई बार यह फेल भी रहा है और ऐसी परिस्थिति में ये उसका जो सर्वे रहा है वो कसौटी पर खड़ा नहीं उठा। तो ऐसी परिस्थिति में आप जैसे 2015 के चुनाव की बात करेंगे तो इसमें अधिकांश एग्जिट पोल जिस एजेंसी ने की थी उन्होंने बताया था कि बिहार में एनडीए की सरकार बन, लेकिन जब धरातल पर फैसला हुआ तो उसकी परिस्थिति में महागठबंधन की सरकार बन। तो एग्जिट पोल एक संभावना है, एक तरह से कहिए कि सैंपल है, लेकिन हकीकत तो है कि मतदान की जो प्रक्रिया है और उसके बाद जो मतगणना होगी उसके बाद ही उसका फैसला होगा। और खास करके जो एग्जिट पोल किया जाता है उसमें जिन मतदाताओं से बातचीत की जाती है कोई जरूरी नहीं है कि मतदाता सही सही एग्जिट पोल करने वाले को बताए, नंबर एक। दूसरी बात है कि बहुत से मतदाता हैं जो चुपचाप वोट करते हैं तो ऐसे मतदाताओं की बात सामने नहीं आती है और ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि एग्जिट पोल कसौटी पर खड़ा नहीं भी उतर सकता। इसलिए हमने शुरू में ही अपने दर्शकों को बताया कि ये संभावना है, ऐसी उम्मीद जा रही है कि ऐसा परिणाम हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यह परिणाम कितना हो। बिल्कुल अशोक जी, जैसा कि आपने कहा कि जो एग्जिट पोल है वो एक संभावना है, जो अंतिम जो फैसला होगा वो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। हो सकता है कि ये बाजी पलट जाए, क्योंकि एग्जिट पोल में जरूरी नहीं है, कभी कभार ये भी होता है कि एग्जिट पोल से में जो रिजल्ट हम दिखाते हैं वो जो चुनाव जो रिजल्ट का जो दिन होता है उस दिन बिल्कुल ही बाजी पलट जाती है। तो एग्जिट पोल महज एक संभावना है, अब अंतिम फैसला जो है वो तो 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अशोक जी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राजधानी पटना में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत का दावा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने महिलाओं और मीडिया को धन्यवाद देते हुए बिहार में एनडीए गठबंधन को 170 सीटों पर जीत का दावा किया है। बता दें इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा है कि बिहार चुनाव में महिलाओं ने एनडीए के समर्थन में बेहतर साथ दिया है, जिससे बिहार में नीतीश सरकार का बनना तय है। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए एनडीए की सरकार बनाई। हम हर हालत में 170 सीटें जीतेंगे, निश्चित रहिए, और यही जनता की आकांक्षा है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है।
तो वहीं महागठबंधन ने भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में जीत का दावा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी नेता मनोज झा और कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने माले से शशि यादव का प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि तीसरे चरण में जनता ने भरपूर साथ दिया है, जिसके कारण बिहार में महागठबंधन की जीत तय है, क्योंकि लोगों ने इस बार रोजी रोटी के मुद्दे पर वोट देकर मिसाल कायम की है। इसके साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इस चुनाव में एनडीए में बिखराव दिखा। तो आज मैं आप सबके माध्यम से कहूं कि ये बहुमत से अपार बहुमत के साथ हम लोग हैं, और इसके लिए हम सिर्फ गठबंधन के सहयोगी, जिसके बारे में अब दिल्ली पटना में चर्चा हो रही है, ऐसा नैसर्गिक गठबंधन लोगों ने नहीं देखा था जमीन पे। मैं समझता हूं सिर्फ पटना में नहीं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, यही छवियां गांव, गली, शहर, हर जगह थी। तो मैं समझता हूं सब लोगों का इसमें योगदान रहा।